सुनो कुमारी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर्टिफिशियल रेसिप्रेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ाया था कि वो इक्विपमेंट्स क्या क्या है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मैं आपको अगले क्लास में यानी कि आज की क्लास में फायर चैप्टर पढ़ाऊंगी कि फायर क्या है, आग क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन में कि आज मैं आपको फायर के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड, फायर क्या है? फायर को हिंदी में आग कहा जाता है, जैसे कि आप सब जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सबसे पूछ रहे कि फायर क्या है, आग क्या है, आपने देखा होगा अगर आप लकड़ी जलाते हो, लकड़ी क्या होती है? ऊर। लकड़ी अगर आप जलाते हो तो उसको जलाना ही क्या है? आग है, अग्नि है। अग्नि आग एक ही होता है, पर्यावर्ती शब्द होते हैं, दोनों एक ही चीज है, आग और अग्नि सेम चीज है। तो अगर आप कोई लकड़ी जलाते हो, घर में बहुत सी लकड़ियां होती हैं, अगर आप कोई लकड़ी जलाते हो तो जलाने पर जो उत्पन्न होता है वही क्या है? हमारी अग्नि है, वही क्या है? हमारी आग है। और लकड़ी को जलाने के बाद क्या मिलती है हमें? हमें लाइट मिलती है। क्या मिलती है? प्रकाश मिलती है, रोशनी मिलती है, और साथ ही साथ क्या मिलती है? उससे गर्मी भी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? गर्मी भी उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, आग की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सिंपल क्या है कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को यानी कि कोई भी जलने वाले मटेरियल को, ज्वलनशील पदार्थ यानी कि कोई जलने वाले मटेरियल को जलाना ही क्या है? अग्नि है, आग है। इससे क्या है? प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है। और आग को जलाने के लिए मेन पॉइंट क्या है? आग को जलाने के लिए ईंधन यानी कि फ्यूल, ईंधन और ऑक्सीजन। आप सब जानते हो ऑक्सीजन के बारे में, आपने पढ़ा होगा 9th-10th में। तो ऑक्सीजन यानी आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन और ईंधन आवश्यक तत्व यानी मेन एलिमेंट्स वही होते हैं। तो अग्नि क्या है, आग क्या है? कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को, कोई भी जलने वाली मटेरियल को जलाना ही क्या है? अग्नि है, आग है। इससे क्या है? इससे प्रकाश यानी कि रोशनी और गर्मी उत्पन्न होती है। और आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन और ईंधन आवश्यक तत्व होते हैं। तो ये तो बात होगी इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब आगे जानते हैं कॉजेस ऑफ फायर। क्या है कॉजेस ऑफ फायर? आग लगने के कारण, किस किस वजह से आग लग सकती है, कहीं पर भी किस वजह से लग सकती है। पहले पॉइंट की बात करते हैं जो कि स्मोकिंग, धूम्रपान। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि धूम्रपान करना गलत है। कोई भी वर्कशॉप में, इंडस्ट्री में धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना अलाउ नहीं होता है अगर आप करते हो तो क्या धूम्रपान? धूम्रपान क्या है? एक आग लगने का कारण है। आपने वर्कशॉप में मान लो कोई पर्सन है, कोई मैकेनिक है जो कि धूम्रपान करता हो, उसने क्या है कि सिगरेट का कोई टुकड़ा कहीं फेंक दिया हो, तो क्या उस सिगरेट के टुकड़े से एक भयानक आग लग सकती है, एक डेंजर आग लग सकती है। तो क्या है स्मोकिंग? क्या है स्मोकिंग? एक आग लगने का कारण है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, क्या है? बिजली के शॉर्ट सर्किट से। आपने देखा होगा कि घर में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उससे क्या है, उससे भी आग फैलती है, आग बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है। तो बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी क्या है, आग फैलने का डर रहता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? बिजली की जो वायर होती है, मतलब इलेक्ट्रिक वायर जो होती है, उसमें अधिक लोड का होना, क्या होती है? अधिक लोड का होना। अगर किसी बिजली के वायर में या इलेक्ट्रिक वायर में अगर उसमें अधिक लोड आ जाता हो तो उससे भी क्या है, आग लग सकती है। ये सब क्या है? आग लगने के कारण है कि किस किस वजह से आग लग सकती है, कहीं पर भी, वर्कशॉप हो, घर हो, बाहर हो, कहीं पर भी। बात करते हैं अगले पॉइंट की है जो कि क्या है हमारा, कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को, कोई भी जलने वाली मटेरियल हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, मान लो पेट्रोल ही मान लो, अगर आपने कहीं पेट्रोल रखा हो तो पेट्रोल क्या है, किसी सुरक्षित स्थान पर, किसी अच्छे जगह पर रखें जिससे कि उसमें आग की कोई चिंगारी पहुंच ना पाए,
क्योंकि अगर कोई पेट्रोल आपने अटेंडर पर रखा है और उसमें थोड़ी सी आके चिंगारी भी पहुंच जाती है तो वो क्या है, वो एक आग का बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए क्या है कि आप कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या कोई ज्वलनशील लिक्विड को रखते हो, कोई द्रव को रखते हो, तो किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि आग किस किस वजह से लग सकती है। स्मोकिंग की वजह से भी लग सकती है, बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से भी लग सकती है, और अधिक लोड है कि जब बिजली के वायर में अधिक जब लोड आ जाती है उस वजह से भी लग सकती है। ज्वलनशील मटेरियल को जहां तक ना रखें, किसी सुरक्षित स्थान पर रखें, उसकी वजह से भी आग लग सकती है। तो मैंने आपको इसकी परिभाषा और इसके कारण के बारे में बताया है कि आग क्या है और आग लगने के कारण क्या है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ फायर। क्या है टाइप्स ऑफ फायर? आप सोचोगे कि आग के भी प्रकार होते हैं, तो जी हाँ आग के भी प्रकार होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लास ए टाइप फायर, यानी कि श्रेणी ए प्रकार की आग। क्लास बी टाइप फायर, यानी कि श्रेणी बी प्रकार की आग। क्लास सी टाइप फायर, यानी कि श्रेणी सी प्रकार की आग। क्लास बी टाइप फायर, यानी कि श्रेणी डी प्रकार की आग। तो क्या है कि आग के भी चार प्रकार होते हैं, चार टाइप्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि हमारा है क्लास ए टाइप फायर, श्रेणी ए प्रकार की आग। आपने देखा होगा अगर आप लकड़ी को जलाते हो, कोई कपड़े को जलाते हो या फिर कोई कागज को जलाते हो, तो उससे जो आग उत्पन्न होती है वो आग क्या है हमारी? वो आग हमारी क्लास ए टाइप फायर है। यानी कि जो आग अगर आप किसी लकड़ी को जलाते हो, किसी कपड़े को जलाते हो, किसी ठोस धातु यानी कि हार्ड मेटल को जलाते हो, कागज को जलाते हो, तो उससे जो आग उत्पन्न होती है वो आग क्या हमारी? वो आग हमारी है क्लास ए टाइप फायर है। कौन सी फायर है? श्रेणी ए प्रकार की आग है, यानी कि उस टाइप के आग को श्रेणी ए प्रकार के आग में रखा जाता है। तो ये हो गया हमारे क्लास ए टाइप की फायर। और क्लास ए टाइप की जो फायर है, ये जो हमारा फायर है, इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वॉटर यानी कि पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी को क्या करते हैं? पहले मान लो किसी लकड़ी में अगर आग लग गई हो, तो वो आग हमारी श्रेणी ए प्रकार की आग है। और उस आग को बुझाना हो तो पहले क्या करेंगे, जो जहां आग लगी हो, पहले आग की तली में यानी कि आग की जो प्लेन होती है, उसकी जो सरफेस होती है, पहले वहां पानी डाला जाता है। और जो आग होती है, जो आग पूरी चिंगारी फेंक रही होती है, उसके ऊपर पानी के फवारे, अब जानते हो पानी फवारा, जानते होंगे पानी फवारे, उस पर डाले जाते हैं। यानी क्या है कि श्रेणी ए प्रकार की जो आग है वो कौन सी आग है? जो आग लकड़ी में, कागज में, कपड़े में लग जाती हो, वो अब हम आग क्या हमारी एक श्रेणी ए प्रकार की आग है। बात करते हैं दूसरे प्रकार की आग के बारे में, जो कि हमारा है क्लास बी टाइप फायर, श्रेणी बी प्रकार की आग। आपने देखा होगा पेट्रोल के बारे में जानते हो, बहुत ही कॉमन चीज है। किरोसिन ऑयल के बारे में जानते हो, बहुत ही कॉमन चीज है। तो उस टाइप के आग में, मतलब उस टाइप की लिक्विड में अगर कोई आग लग जाती हो, तो वो आग क्या है हमारी? वो आग हमारी है क्लास बी टाइप फायर। यानी कि कोई अगर हमारा लिक्विड चीज हो, कोई हमारा ज्वलनशील द्रव हो, हिंदी में ज्वलनशील द्रव, यानी कि पेट्रोल में अगर आग लग जाती है या फिर किरोसिन ऑयल में आग लगती है, तो वो आग हमारी क्या है? वो आग हमारी क्लास बी टाइप फायर है, यानी कि श्रेणी बी प्रकार की आग को इसमें रखा जाता है। किसी किरोसिन में या फिर किसी पेट्रोल में अगर आप आग लगाते हो, तो वो आग क्या हमारी? श्रेणी बी प्रकार की आग। ये तो हो गया आग के बारे में। आप क्लास बी टाइप फायर को कैसे बुझाओगे? तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के फायर को बुझाने के लिए वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस टाइप को आग के बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड,
जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई पाउडर, जो सूखा पाउडर आता है, ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, फोम, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? इस प्रकार के आंखों को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, ड्राई पाउडर यानी सूखा पाउडर इस्तेमाल करते हैं और फोम का इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार की आंखों बुझाने के लिए, श्रेणी बी प्रकार की आंखों बुझाने के लिए। तो श्रेणी बी प्रकार की आग क्या है कि जो आग किसी पेट्रोल या किसी ज्वलनशील द्रव में लगती हो तो वो आग क्या हमारी है, क्लास बी टाइप ऑफ फायर है, श्रेणी बी प्रकार की आग। तो क्लास ए के बारे में हमने जाना, क्लास बी के बारे में हमने जाना, आप बात करते हैं क्लास सी के बारे में कि क्लास सी क्या है। आपने घर पर एलपीजी गैस देखा होगा, क्या है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वो क्या है, एक गैस से एक लिक्विड ही होती है, वो गैस नहीं होती है, वो एक द्रवित गैस होती है। आपने सीएनजी गैस के बारे में सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो आप किसी गैस में या फिर किसी द्रवित गैस में यानी किसी एलपीजी में, एलपीजी सिलेंडर होती है, अगर उसमें अगर आग लग जाए किसी वजह से भी लग जाए तो वो आग क्या हमारी है, क्लास सी टाइप फायर है, श्रेणी सी प्रकार की आग है। यानी कि जो आग किसी गैस में या फिर किसी द्रवित गैस में लग जाए, उसकी वजह से कोई आग लगे तो वो आग क्या हमारी है, क्लास सी टाइप फायर है। और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कहीं देखा होगा, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, अगर किसी एलपीजी में किसी गैस सिलेंडर में अगर आग लग जाती है तो वो आग क्या बहुत ही डेंजर आग होती है, वो आग क्या होती है पूरे घर में तुरंत फैल जाती है। अगर किसी एलपीजी या किसी सिलेंडर गैस में किसी वजह से आग लग जाती है तो वो आग क्या होती है पूरी तरह से पूरे घर में फैल जाती है, अब बहुत ही जल्दी फैल जाती है। इसलिए इस आग को क्या है, बहुत ही सावधानी पूर्वक बहुत ही अच्छी तरह से इस आग को बुझाना चाहिए जिसमें किसी का नुकसान ना हो। और इस आग को बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, आपने अग्निशामक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, आप कहीं जाते हो हॉस्पिटल हो या फिर वर्कशॉप हो तो कहते हैं दीवार में वॉल में फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, रेड रंग के होते हैं, सिलेंडर टाइप में होते हैं, उसके ऊपर नोजल लगी होती है, तो वो क्या होती है हमारी फायर एक्सटिंग्विशर होती है, अग्निशामक यंत्र होती है। तो इस प्रकार के आपको बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। कौन से, क्योंकि अग्निशामक यंत्र क्या है, बहुत से टाइप के होते हैं, बहुत से प्रकार के होते हैं, वो आप आगे जानोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे कि कितने प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं। तो क्या है कि इस टाइप की जो आग होती है, जो क्लास सी टाइप की जो आग होती है, उस टाइप की आग को बुझाने के कौन से अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्राई पाउडर का, जो सूखे पाउडर का जो अग्निशामक यंत्र होता है, जो सूखा पाउडर का अग्निशामक यंत्र होता है, उस अग्निशामक यंत्र का क्लास सी टाइप के फायर को बुझाने के लिए करते हैं। यानी क्लास सी टाइप फायर क्या है कि जो आग किसी गैस से या फिर द्रवित गैस से यानी एलपीजी सीएनजी बहुत से टाइप के गैस होते हैं उससे कोई अगर आग लग जाती हो तो वो आग क्या है हमारी क्लास सी टाइप ऑफ फायर है, यानी कि श्रेणी सी प्रकार की आग है। और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सूखे पाउडर जो एक्सटिंग्विशर आती है, जो हमारे अग्निशामक यंत्र आती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, सूखे पाउडर का, ड्राई पाउडर का, उस अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं इस आग को बुझाने के लिए। अब बात करते हैं अगले टाइप की आग के बारे में जो कि हमारा है क्लास डी टाइप फायर, यानी कि श्रेणी डी प्रकार की आग। किसी भी मेटल में, मेटल यानी कि धातु में या फिर विद्युत में यानी कि इलेक्ट्रिक में अगर आग लग जाती है तो वो आग क्या है भाई, क्लास डी टाइप फायर है। क्या है, डी टाइप फायर है। यानी कि कोई अगर आग मेटल में यानी कि धातु में, इलेक्ट्रिक में यानी कि विद्युत में किसी तरह की कोई आग लग जाती हो तो वो आग को क्लास डी टाइप की फायर आग कहा जाता है, यानी कि उसको श्रेणी डी टाइप की फायर कहते हैं। ये जो आग होती है
बहुत ही डेंजर होती है, इसलिए इस आग को क्या है, कोई प्रशिक्षित व्यक्ति यानी जो एजुकेशन पर्सन है, जो जानकार आदमी है, जो जानता हो इन सब के बारे में, उसके द्वारा ही आपको बुझाए जाने चाहिए। कोई अगर इसके बारे में नहीं जानता हो तो उसके उसको इस आपको बुझाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक में जो आग लगती है बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही डेंजर होती है। इसलिए किसी भी एजुकेशनल पर्सन को कोई प्रशिक्षित आदमी को इस आग को बुझाना चाहिए बहुत ही सावधानी पूर्वक। और इसके लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके लिए ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर जो होता है आपने, या फिर रेत होती है, जो बालू होती है, जो मोल्ड होती है, सॉरी सैंड होती है, मतलब रेत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सैंड कहते हैं, तो जो रेत होती है उसके द्वारा भी बुझाया जाना चाहिए, जो ड्राई पाउडर होती है उसके द्वारा भी बुझाया जाना चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके द्वारा भी बुझाया जाना चाहिए। एक अग्निशामक यंत्र आती है, फायर एक्सटिंग्विशर आती है, CTC, इस अग्निशामक यंत्र का नाम क्या है, CTC अग्निशामक यंत्र, यानी कि उस फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से इस टाइप के आपको बुझाया जाना चाहिए। यानी कि क्लास डी टाइप की फायर क्या है, कि जो आप किसी मेटल में लगती हो या फिर किसी इलेक्ट्रिक में लगती हो, तो वो आप क्या है, हमारी क्लास डी टाइप की आग है। कौन सी आग है, क्लास डी टाइप, यानी श्रेणी डी प्रकार की आग है। और इस प्रकार की आग को बुझाने के किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, रेत यानी कि सैंड यानी बालू का इस्तेमाल करते हैं, फिर CTC जो अग्निशामक यंत्र होती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब की मदद से इस आग को बुझाया जाना चाहिए। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक में कोई अगर आग लगती हो तो उसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उस पर्सन को शॉक लग सकता है, उसको झटका लग सकता है। इसलिए किसी भी विद्युत में अगर आग लगती हो तो उसको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो मैंने बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर, सैंड, इन सब की मदद से उस टाइप की आग को बुझाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने फायर की डेफिनेशन यानी परिभाषा के बारे में जाना। इसकी परिभाषा क्या है, कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को जलना है क्या है, अग्नि है। किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना है क्या है, अग्नि है। इससे क्या है, प्रकाश यानी कि लाइट यानी कि रोशनी उत्पन्न होती है और साथ ही गर्मी उत्पन्न होती है। और इसको आपको जलाने के लिए मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके मेन एलिमेंट्स ऑक्सीजन होते हैं और ईंधन होते हैं यानी कि फ्यूल होते हैं। हमने इसके परिभाषा के बारे में जाना, इसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं, कॉजेस ऑफ फायर, आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं, शॉर्ट सर्किट से, स्मोकिंग से, डिफरेंट कारण है इनके जिसकी वजह से आग लग सकती है। फिर हम लोगों ने जाना टाइप्स ऑफ फायर के बारे में, कि कितने टाइप्स के फायर होते हैं, क्लास ए टाइप फायर, क्लास बी टाइप फायर, क्लास सी टाइप फायर, क्लास डी टाइप फायर, श्रेणी ए प्रकार की आग, श्रेणी बी प्रकार की आग, श्रेणी सी प्रकार की आग, श्रेणी डी प्रकार की आग। तो क्या है कि हम लोगों ने जाना कि कौन कौन सी आग कौन कौन से क्लास में होते हैं, ABCD के बारे में जाना। कोई अगर कपड़े में लग जाती है तो वो अब क्या है, हमारी क्लास ए टाइप की आग है। कोई मेटल में लग जाती है तो वो अब क्या है, हमारी क्लास डी टाइप की आग है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज फायर के बारे में बताया, फायर किस किस वजह से लगती है उसके बारे में बताया, और सिर्फ टाइप्स के बारे में बताया। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप के अग्निशामक यंत्र होते हैं, कितने प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास को मैं बताऊंगी कि कौन कौन से अग्निशामक यंत्र होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।